सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते, स्वागत है आपका मॉरिशस के भुवासन शहर से। और अभी यहाँ दिन की 2 बज चुके हैं और अभी बाहर का मौसम कुछ इस तरह है, हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं, हो सकते हैं बारिश होने के भी चांसेस हैं। और आज काबल यात्रा का 4th दिन है आज, और अब चलते हैं तुलसी श्याम मंदिर में। अभी देखते हैं दिन के टाइम पे वहाँ पे क्या चल रहा है, क्यों रहा है, तो अभी हम तुलसी श्याम मंदिर में चलते हैं। तो चलो मिलते हैं आप सीधा तुलसी श्याम मंदिर में। मैं आ गया अभी तुलसी श्याम मंदिर में और यहाँ पर जो कावल गंगा तालाब गए थे वो सब अभी वापस आ रहे हैं धीरे धीरे अब, क्योंकि आज 4th दिन हो गया कावल यात्रा का, तो सभी लोग अब वापस की तरफ हैं, क्योंकि जो जितने भी कावल थे सब गंगा तालाब चले गए, कोई जा भी रहे हैं अभी। और जो ये बड़े बड़े कावल हैं लोग पहले निकल जाते हैं मंडे को, सब आई थिंक सब लोग निकल गए थे, तो ये लोग अभी वापस आने लग गए। और अभी तुलसी श्याम मंदिर के बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह हो रहा है, आज बादल लगे हुए हैं, हो सकते बारिश होने के भी चांसेस हैं। अभी तो दिन का टाइम है इसलिए इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे, अभी कम ही भीड़ है, इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग सब ऐसे ही करके वापस आएंगे सब लोग, और वहाँ से गंगा जल लेके आते हैं सब लोग, और फिर जो अपने नज़दीकी शिवालय होंगे सब शिवालय में गंगा जल चढ़ाएंगे। और महाशिवरात्रि के दिन भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ लोग गंगा तालाब जाते हैं, गंगा तालाब की यात्रा करते हैं उस दिन भी लोग, महाशिवरात्रि के दिन उस दिन भी बहुत लोग जाते हैं, तो ऐसा कुछ होता है तो उस दिन का भी हम लोग जरूर ब्लॉग बनाएंगे आप लोगों के लिए महाशिवरात्रि के दिन। और गंगा तालाब के बारे में भी बताएंगे कुछ कि गंगा तालाब कैसा है यहाँ पर। और सामने स्कूली बच्चों की छुट्टी हो गई और ये और एक कावल वापस आ गए हैं अभी, अभी जितने भी हैं धीरे धीरे करके ऐसे आते रहेंगे, अभी दिन का टाइम है इसलिए ज़्यादा ट्रैफिक है, और ये इतना दिन में लोग थोड़ा कम चलते हैं, तो ज़्यादा करके जो भी हैं लोग रात को चलते हैं, क्योंकि रात को रोड एकदम खुला रहता है तो आने में इन लोगों को काफ़ी सुविधा होती है। और ये सभी लोग हैं मंदिर के मेंबर लोग हैं जो कावल यात्रा कर रहे हैं, उन लोगों के लिए खाना बना रहे हैं ये लोग, ऐसे ही खाना बनाते हैं लोग, यहाँ पीछे बनेगा खाना और आगे फिर ये लोग सर्व करते हैं, आगे बांटते हैं सब लोगों को, जैसे जैसे कावल यात्रा लोग जब आते हैं वो लोग तो सभी लोगों को ऐसा बांटते हैं। ये पीछे के साइड है जहाँ पर ये लोग खाना बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ है इन लोगों का। ये बहुत बड़ा कावल बना रखा है इन्होंने, इन्होंने जिधर त्रिशूल बना रखा है, ये मैंने शायद लगता है कि 2023 का ये पहले सबसे बड़ा कावल देखा है, ये बहुत लंबा कावल बना रखा है उन्होंने, ये शिव जी का त्रिशूल बना रखा है, लेकिन ये बहुत लंबा है, इससे बड़ा इससे लंबा अभी तक मैंने कोई भी कावल नहीं देखा, ये काफ़ी बड़ा कावल है जो कि देखने में एकदम अलग ही फील आ रहा है इसको देखने में।